नमस्कार किसान मित्रों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल किसान काड्डा पर। तो जब हमने मिलिया दुबिया पर वीडियो बनाए और हमारे चैनल किसान काड्डा पर अपलोड किए, तब बहुत सारे किसान भाइयों की हमें कमेंट आई कि मिलिया दुबिया को कब और कितना पानी देना चाहिए। तो हमने सोचा चलो उस पर भी एक वीडियो बना देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मिलिया दुबिया को कब और कितना पानी देना चाहिए। पर इससे पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि हमने इस बार आपके लिए मिलिया दुबिया की खेती के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मिलिया दुबिया की खेती पर एक सीरीज़ बनाई हुई है और हमने उसमें अभी तक 3 वीडियो भी बनाई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने मिलिया दुबिया लगाने के पहले और मिलिया दुबिया लगाने के बाद कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसकी बातें की थी। और हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिए। आप वीडियो में जो मिलिया दुबिया देख रहे हो उसे हमने 16 जुलाई 2020 को लगाया हुआ था। हमने आपको हमारे अगले वीडियो में बताया था कि जुलाई से लेकर अगस्त का महीना बारिश का महीना होता है, तो यह हमारे मिलिया दुबिया लगाने का सर्वश्रेष्ठ समय है। जब हमने हमारे खेत में मिलिया दुबिया के पौधे लगाए तो उससे पहले हमारे खेत में 2 से 3 बार बारिश हो गई थी, तो इससे हमारे खेत में अच्छी सी नमी हो गई थी। जब हमने मिलिया दुबिया को खेत में लगाया तब लगाने के तुरंत बाद ही हमारे खेत में थोड़ी सी बारिश हो गई। तब हमें मिलिया दुबिया लगाने के बाद तुरंत ही पानी नहीं देना पड़ा और यह हमारे मिलिया दुबिया के लिए सबसे अच्छी बात है। अगर आप अपने खेत में मिलिया दुबिया लगाते हैं और बारिश नहीं होती तो आपको खेत में मिलिया दुबिया लगाने के बाद तुरंत ही पानी देना पड़ता है। आप मिलिया दुबिया को खेत में लगाने के बाद तुरंत ही पानी दें तो वह सबसे अच्छी बात है। अगर आपने पानी देने में थोड़ी सी भी देरी कर दी तो आपके पौधे सूख भी सकते हैं। इसलिए आप अपने खेत में मिलिया दुबिया के पौधे लगाने के तुरंत बाद पानी डाल दें। पानी देने में आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। मिलिया दुबिया लगाने के तुरंत बाद अगर आप पूरे खेत में पानी दें तो उससे हमारे पौधे को थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है और पूरे खेत में खरपतवार की भी समस्या बढ़ती है और हमारा बहुत सा पानी बिगड़ सकता है। तो उसके लिए आपको आपके पौधे को थोड़ा थोड़ा पर कम समय अंतराल पर पानी देना होगा। तो सबसे पहले आप मिलिया दुबिया लगाने के तुरंत बाद पानी दें तो उसके बाद आप 3 या 4 दिन के बाद फिर से पानी दे सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारे मिलिया दुबिया के पौधे का विकास ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि हमने हमारे खेत में मिलिया दुबिया को पानी देने में क्या भूल की। जब हमने खेत में मिलिया दुबिया के पौधे लगाए तब लगाते समय ही अच्छी सी बारिश हो गई और उसके 4 दिन बाद खेत में पानी सूख गया और मिलिया दुबिया की पत्तियाँ पीली पड़ने लगी। तब हमने मिलिया दुबिया को पानी देने के लिए ट्रैक्टर से मिलिया दुबिया के खेत में मेड बनाए और रात में जाकर पूरे खेत में पानी दे दिया। यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि रात में हमने पूरा खेत पानी से भर दिया और बाद में दिन में जब धूप निकली तब कुछ पौधे धूप से जल गए और नष्ट हो गए। इसलिए मेरा आपसे यह सुझाव है कि आप मिलिया दुबिया के पौधे लगाने के बाद पूरे खेत में पानी न दें बल्कि पौधे के पास थोड़ा थोड़ा पानी दें। अगर आपके खेत में मिलिया दुबिया के पौधे कम संख्या में है तो आप ऐसे बाल्टी से भी पानी दे सकते हैं और अगर आपके पास कोई और जुगाड़ है तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। पहली बार पानी देने के बाद हमने 6 दिन के बाद दूसरी बार मिलिया दुबिया को पानी दिया। इस बार हमने एक जुगाड़ लगाया। हमने हमारे ट्रैक्टर के कल्टीवेटर से मिलिया दुबिया की लाइन की दोनों तरफ थोड़ी गहरी नालियां बनाई और हमने नालियों में थोड़ा सा पानी जाने दिया और ऐसा करके हमने सारे मिलिया दुबिया को कम पानी, कम टाइम और कम खर्चे में बहुत अच्छी तरह से पानी दे दिया। आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं कि पानी मिलिया दुबिया की पास वाली नालियों में जा रहा है। एक बार पूरी नालियां भर जाने के बाद
पौधे के पास वाली थोड़ी मिट्टी हटा दीजिए ताकि पानी पौधे की जड़ तक पहुंच सके। हमें ऐसा करके सभी पौधों की जड़ तक पानी पहुंचाना है। ऐसा करने से हमारा 50% पानी बच जाता है और हमारे खेत में मिलिया दुबिया की दो लाइन के बीच खरपतवार भी नहीं निकलता। अगर आप भी अपने मिलिया दुबिया को ऐसे पानी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आप मिलिया दुबिया के पास वाली दोनों नालियाँ की जगह एक नाली में भी पानी दे सकते हैं। इससे हमारा बहुत ज़्यादा पानी बच जाता है। ऐसा करने से हमारे मिलिया दुबिया के पौधे को जितना चाहिए उतना ही पानी मिलता है और मिलिया दुबिया के पौधे को कुछ भी नुकसान नहीं होता। और एक बात ज़रूर याद रखिए कि पानी हो सके तो शाम के समय या फिर ठंडक वाले हवामान के समय ही दें। पानी देने के बाद हो सके तो आप अपने खेत में से खरपतवार भी निकलवा दीजिए। आप खरपतवार कल्टीवेटर से भी निकाल सकते हैं। अगर आप अपने खेत में ऐसे बाल्टी लेकर सभी पौधों को पानी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसमें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है पर इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपने अपने खेत में मिलिया दुबिया के कम पौधे लगाए हैं तो आप ऐसे बाल्टी लेकर सभी पौधों को पानी दे सकते हैं। पर अगर आपका खेत बड़ा है और उसमें बहुत ज़्यादा मिलिया दुबिया के पौधे लगाए हुए हैं तो आपको नालियों के माध्यम से ही पानी देना पड़ेगा। जब हमने हमारे मिलिया दुबिया को दूसरी बार पानी दिया तो उसके 4 दिन के बाद हमारे खेत में बारिश शुरू हो गई और यह बारिश लगातार 4 दिन तक चलती रही। यह हमारा खेत पूरा पानी से भर गया है और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू है। आपको शायद वीडियो में यह बारिश दिखाई नहीं दे रही होगी मगर अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू है। आप हमारे खेत में देख सकते हैं कि अभी हमारे खेत में ज़रूरत से ज़्यादा पानी भरा है, इसलिए हम हमारे पास वाले खेत में पानी निकालने वाले हैं। मिलिया दुबे के पौधे जब छोटे होते हैं तब उसके तने के पास लंबे समय तक पानी भरा नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए हमें हमारे खेत में से पानी निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने हमारे पास वाले खेत में हमारे खेत का पानी निकाल दिया। अभी आपको हमारे खेत में मिलिया दुबिया दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे क्योंकि हमारे खेत में खरपतवार बहुत ही बड़ा हो गया है और हमें उसको निकालने का टाइम भी नहीं मिला। अगर आप भी ऐसे कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो बनाएंगे।